हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूएनएस टीवी। आई एम आंसर मिस्किन एंड यू आर वाचिंग मी इन दिस चंक व्हिच इज नोन एज हैशटैग न्यूज इन्फॉर्मेटिव। चलिए दोस्तों, हम हमारे आज की इस जो ये हैशटैग है इसके तहत की आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पीएमओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की गई कि एक मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आने वाले 1.5 साल में 10 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट करेगी। उस ट्वीट में ये लिखा था कि सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में ह्यूमन रिसोर्सेज के स्टेटस का जायजा लेने के बाद पीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख लोगों के रिक्रूटमेंट को अंजाम दिया जाएगा और इसकी डेडलाइन जो इन्होंने सेट की है वो दिसंबर 2023 तक की सेट की है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से ये बात जारी हुई कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के थ्रू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर डाटा जारी किया गया था, जिसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट जारी हुई। और साथ ही इस बात को भी सामने लाया गया कि रोजगार के लिए कई स्कीम्स को भी लाया गया है जिसके तहत इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अलग अलग एस्पेक्ट्स से अंजाम दिया जा सके, जैसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पीएम गति शक्ति, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन वगैरह। साथ ही इन स्कीम्स के अलावा कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का भी आगाज किया गया, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन एटसेट्रा। अब अगर इसे अनाउंसमेंट के तौर पर देखें तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक रे ऑफ होप, जिसे हम कहते हैं ना आशा की किरण, उसकी तरह है। पर अब यहाँ देखना ये है कि इसको हकीकत किस तरह बनाया जाएगा। यहाँ हम डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहेंगे उन सवालों को जो एसएसबी के तहत होने वाली रिक्रूटमेंट्स पे कुछ समय पहले उठी थी। जेके एसएसबी के तहत हुई रिक्रूटमेंट्स पर यही सवाल उठे कि बड़े पैमाने पे करप्शन को अंजाम दिया जाता है जेके एसएसबी पोस्टिंग्स पे, फाइनल लिस्ट से छेड़खानी की जाती है वगैरह, जिस पर हाल ही में ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी ने कड़े जांच का आश्वासन भी दिया। तो अब अगर यहाँ इन 10 लाख लोगों की रिक्रूटमेंट्स फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होगी तो डेफिनेटली ये एक सक्सेसफुल स्टेप साबित होगा, और अगर इसमें भी इसी तरह करप्शन और घूसखोरी की उंगलियां उठी तो फिर यहाँ इस तरह के एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत धराशाही हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अंजाम देने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंट मेथड्स के साथ ही इस अनाउंसमेंट को हकीकत बनाना चाहिए। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 के बाद इस देश से और खासकर जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी के फिगर्स में एक हेल्दी चेंज देखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू क्यूएनएस टीवी एंड बाय बाय।